अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट एंड फ्रेंड मैं सबासी, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या आईफोन 7 प्लस 2020 के अंदर वर्थ बाइंग है या फिर नहीं है। यहाँ पे लोगों के सामने बस बॉक्स भी है इस फोन का, तो टेंशन मिली कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पर ये फ़ोन आज भी मार्केट्स में मिलता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है ये वाला फ़ोन आज के टाइम पर भी मार्केट में। एंड मतलब काफ़ी अच्छा डिस्प्ले भी है इसका, काफ़ी अच्छे स्पेक्स भी हैं इसके, एंड ओवरऑल एक नाइसर पैकेज दे देता है आपको आईफोन अपने इस फ़ोन के साथ। एंड ये iOS 13 पे अपग्रेडेबल भी है, तो यहाँ पर इसके साथ बहुत सारे आपको अलग किस्म के फीचर्स भी जो है iOS 13 में मिल जाते हैं। सो वो वीडियो में आगे फर्दर इसी पर बात करते हैं। तो चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो, जिससे कि मतलब मेरे टेक वीडियो मेरे चैनल पर रोज़ अपलोड होती रहती है। एंड वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करके 20 लाइक्स कर दो। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार सबसे पहले आपको फ़ोन का डिस्प्ले की बताते हैं, अभी आपको 5.5 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले देने को मिलता है। एंड आप लोग सोच रहे हो कि यार IPS डिस्प्ले मतलब है, लेकिन यहाँ जो आईफोन के डिस्प्लेज होते हैं ना, मतलब उनके अंदर जो कलर होते हैं, कॉन्ट्रास्ट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। तो इसी वजह से ये जो आईफोन होते हैं ये ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो डिस्प्ले है, इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है विद इट्स सॉफ्टवेयर, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो आप लोगों को जो ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मतलब अमेजिंग आला देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल ये जो फ़ोन है मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ आपको 5.5 इंच का एक IPS देखने को मिलता है। एंड जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि आप इसमें स्क्रीन रोटेट कर सकते हो। तो ये प्लस वेरियंट की एक खास बात थी एप्पल में कि आप अपने डिस्प्लेस को जो है वो रोटेट कर सकते थे। एंड यहाँ पर इसका जो फ्रंट कैम रहा है वो 7 मेगापिक्सल का है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। एंड हमें इसकी बैक की बात करें तो अभी आपको मेटालिक बिल्ड देखने को मिलती है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, लाइटनिंग केबल पोर्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, वो है एक हेडफोन जैक। तो एप्पल ने इसमें से हेडफोन जैक रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर इसके जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, यानी कि आपको बैक साइड के ऊपर ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, विच इज़ सो मच नाइजर और काफ़ी ज़्यादा मतलब अमेजिंग चीज़ है इसकी ड्यूअल कैमरा। तो आपको पीछे 12 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिल जाता है, साथ ही एक और सेंसर जो एप्पल ने फर्स्ट टाइम इसमें लगाया था। यहाँ पे आपको एप्पल की मेन चीज़ जहाँ पे आपको वाइब्रेटर है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर इसका जो टच ID भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता। सो ओवरऑल मुझे ये फ़ोन मतलब काफ़ी ज़्यादा आज ही टाइम में पसंद आता है। आपको एक LED फ्लैश है वो देखने को मिल जाती है बैक साइड के ऊपर। एंड ओवरऑल ये फ़ोन मतलब आज के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टाइम में भी आप इसको एज ए कंसिडरेशन ला सकते हैं, मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड फ़ोन। तो हमें मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इस फ़ोन के साथ। तो और इसकी अपडेट्स की बात करें तो हमें आपको iOS 13 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो नई अपडेट है उसकी वजह से आप लोगों को जो वॉल्यूम रॉकर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, ऊपर की तरह से ऐसे आते हैं। एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम रॉकर्स है उसको भी अपडेट कर दिया गया है। एंड ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सिस्टम अपडेट्स iOS 13 ने इसके जो मतलब ओवरऑल चीज़ उनको चेंज किए। तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। एंड अगर इसके स्पेक्स की बात करें तो ये इसमें आपको जो स्पेक्स जिसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है वो लगभग 55,000 से 60,000 के दरमियान में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। तीन वेरियंट्स आते हैं, मतलब चार वेरियंट्स आते हैं, तीन वेरियंट्स आते हैं, 32 GB, 128 GB एंड 256 GB वाला वेरियंट आपको आईफोन 7 प्लस में देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइसर पैकेज। क्वेश्चन रियलाइजेज कि आपको क्या आईफोन 7 प्लस जो है 2020 में बाय करना चाहिए। सो क्वेश्चन आंसर इज यस यू कैन एक्चुअली, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट आईफोन्स टिल नाउ है। अगर आप इसमें फॉर्टनाइट खेलते हैं वो भी चलेगी, पबजी खेलते हैं सो एक्सट्रीम पर चलेगी। तो इसके मुकाबले लोग ये भी पूछते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन्स भी इस प्राइस में नए मिल जाते हैं, सो क्या आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स खरीदने चाहिए या फिर ये वाले आईफोन्स खरीदने चाहिए। सो मेरा उनको जो ये आंसर है वो मैं आपको जो आंसर है वो ये देता हूँ कि आप लोग अगर iOS यूज़ करें तो आप आईफोन पे अपग्रेड करेंगे, लेकिन आप एंड्रॉयड यूज़ करें तो आप एंड्रॉयड यूज़ करें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा आईफोन यूज़ करो जो आपको कभी यूज़ नहीं किया तो आप ले सकते हो, लेकिन ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा क्योंकि इसमें चिपसेट हार्डवेयर सब कुछ बताने लगा है। हाँ, एक जगह ये जो मार्क आ जाता है वो इसका डिज़ाइन, क्योंकि इसमें आपको बेजल्स वाले डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से नॉन एक्सेप्टेबल है आज के टाइम में। सो फिर भी लेट सी व्हाट कैन वी डू। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है कि आप इस फोन को खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में अगर इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, वीडियो को लाइक करके 20 लाइक्स का, एंड मुझे दे ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।